लीजा ने ना मेरा हाथ पकड़ी है और मेरे को बोल रही है ना तुमको आदत नहीं है ट्रेन में चलने का, तो मैं हाथ पकड़ के तुमको लेके जाऊंगी। अब उसको ये नहीं मालूम कि ना मैंने ना मुंबई लोकल में ट्रैवल करता हूँ, मैं मतलब मैंने मुंबई लोकल ट्रैवल किया है, मैं मुंबई का हूँ। तो जिसने मुंबई में ट्रैवल किया है मुंबई लोकल में, उसके लिए ना वर्ल्ड में कोई भी मेट्रो कुछ भी मतलब ना सब ईजी है। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक। और आज क्लाइमेट बहुत ठंडा है यार यहाँ पे, कि लाइक आज का डेट है लाइक नवंबर 8 और दिन ब दिन क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इसके लिए हम इंडिया जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बैंक, और बैंक के बाद में ना हम ना वो एक साइकिल जैसा यहाँ पे रहता है जो बहुत फेमस है, अगर आप आ रहे तो आपको वो लेना चाहिए रेंट पे। तो गाइस आज हम ना मेट्रो यूज़ करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे ना मेट्रो ना दो तीन लाइन है, जो मतलब लीजा मेरे को बता रही थी ग्रीन स्टॉप ओचिन क्रसीवा मेट्रो लाइन, ग्रीन लाइन है ना, बहुत ब्यूटीफुल है नव, और वो ना मतलब ना नया बना हुआ है। मेरे को ना हाथ में ना मैंने ट्राईपॉड पकड़ा है ना तो भी मेरा हाथ काँप रहा है। और हमारा घर ना बरोबर ना इंडिपेंडेंस स्क्वायर के पास है, इसके लिए ना यहाँ पे हमारा रेंट थोड़ा कंपेटिवली बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट है जो आपको 350-400 डॉलर में भी मिलेंगे, बट सेंटर के पास हमने लिया है अपार्टमेंट तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आप पीछे देख सकते हो ये विक्ट्री स्क्वायर है, ये ना सिटी सेंटर है, तो बस इसके सामने ही हमारा घर है। और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो में, मैंने मतलब एक बार मेट्रो राइड किया है यहाँ पे लीजा के साथ में, तो आज फिर से करेंगे। मैं ना लीजा को ना मुंबई में ना लोकल में लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि मतलब हमारी ट्रेन कैसी है, मेट्रो कैसे हैं। तो लीजा बोल रही थी मेरे को कि मतलब वो बहुत एक्साइटेड है इंडिया ट्रिप के लिए, तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको यहाँ की मेट्रो दिखाता हूँ, कोलकाता देंगी मेट्रो यहाँ पे 80 रूबल 0.80 रूबल है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इंडियन रुपीस में कितना होता है एक राइड का। लीजा ने ना मेरा हाथ पकड़ी है और मेरे को बोल रही है ना तुमको आदत नहीं है ट्रेन में चलने का, तो मैं हाथ पकड़ के तुमको लेके जाऊंगी। अब उसको ये नहीं मालूम कि ना मैंने ना मुंबई लोकल में ट्रैवल करता हूँ, मैं मतलब मैंने मुंबई लोकल ट्रैवल किया है, मैं मुंबई का हूँ। तो जिसने मुंबई में ट्रैवल किया है मुंबई लोकल में, उसके लिए ना वर्ल्ड में कोई भी मेट्रो कुछ भी मतलब ना सब ईजी है, उसको कुछ ऐसा डिफिकल्टीज नहीं होगी। हाँ वो थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, बट वो मेट्रो में ट्रैवल करेगा तो उसको अच्छा ही लगेगा। लीजा बोलती है देखो आदत नहीं है इतना भीड़ भाड़ का। अब मैं इसको क्या बोले कि मैं मुंबई लोकल, लीजा को मैं मुंबई लोकल दिखाऊंगा तो चक्कर आके गिर जाएगी जब मुंबई जाएगी तो। बट मुंबई लोकल की बात ही अलग है यार, टाइमिंग के मामले में बहुत ही पक्की है और हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, हो जाएगा आगे चल के इम्प्रूवमेंट भी। लोकेशन गाइस कितना ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे ट्रेन भी बहुत सस्ती है, और बस जो देख रहे हो ना आप पीछे जा रही हो ये लोकल बस है। और मतलब ना आप सिटी के अंदर सबसे अच्छा तरीका होता है ना, अगर आपको ना सिटी एक्सप्लोर करना है ना, ऐसी बस में एक टिकट लेके बैठ जाइए और पूरा सिटी घूमते रहिए, तो ये बस आपको ऐसे ऐसे जगह पर लेके जाएगी ना आपको समझेगा नहीं, आप बोलोगे अरे यार यहाँ पर तो मैं कभी घूमा नहीं था। मस्त यार ब्यूटीफुल है, पीछे मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप ग्रोथ नो जा रहे हो कहीं पर भी तो आपको यहीं पर आना पड़ता है, यहीं से ट्रेन लेनी पड़ती है। I'll get
राइट नाउ ना हम ना एक ग्रोसरी शॉप में, जो इंडियन ग्रोसरी शॉप है, ये गैलीलियो मॉल के अंदर है। अगर आप मेन से आ रहे हो और आपको ना मतलब ना इंडिया का कुछ सामान चाहिए, लाइक मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कभी कभी च्यवनप्राश हो गया, और फिर मैं और चाय पत्ती मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाय पत्ती लेने आया हूँ क्योंकि चाय मैं बहुत मिस करता हूँ। सबसे अच्छा आलू सेव और ये सब चीज़ें यहाँ पे, तो ये मेरे लिए एक अच्छा है कि मतलब ना मेरे को जब भी मतलब ना मन करता है ना। और ये ना लीज़ा ने ढूंढ के निकाला है, हमारे प्रियांशु भाई ने लीज़ा को बताया था, और लीज़ा यहाँ पे आई है, हमेशा मेरे को कुछ भी चाहिए रहेगा तो लीज़ा यहाँ से लेके जाती है। सलमान खान की फ़ोटो ना यहाँ पे ना चाय पत्ती पे भी लगी है। लीज़ा एक चीज़ देख रही है, फेयरनेस क्रीम वगैरह, उसने क्रीम भी खरीदा यहाँ से हिमालय की। Of a van, roaming in the wilderness, we never need a plan, we'll be alright, just you and I, singing from the top of our lungs, dancing by the lakeside, gonna do it while we're young, in a moment it will all... जब हम लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना, तो हम ना रोज नए नए रेस्टोरेंट कैफे में जाते थे, और अभी ना मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, या थी रिलेशनशिप उच्च रेस्टोरेंट, क्रसिवा, शिशास, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, KFC। लीज़ा बोल रही है ना, हाँ अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है। अभी हम लोग इंडियन ग्रोसरी शॉप गए थे ना, तो वहाँ से ना लीज़ा ने ना ये लिया है, बोलती है ना इससे मसाज करेंगे ना स्किन थोड़ा शेप में आता है। लड़की लोग ना कुछ भी करते हैं, ये सच में काम करने वाला है क्या? इंडिया में हम लड़की रहता ना, हम लोग लीज़ा ऐसा करके लड़की छेड़ते ना, तो मैं सबसे ज्यादा खुश ना इसके लिए हो पाई आलू सेब के लिए, लीज़ा को खिलाता हूँ। यहाँ पे ना 210 रुपए का है, और इंडिया में अपने कितना रहेगा, 30-40 रुपए का रहेगा। नहीं दाम कुछ कुछ ओस्त्रा मैं बहुत खुश हूँ आलू सेब के लिए। बिकनेरी भुजिया, अरे चकली है और मेरा फेवरेट रहता है ना आलू सेब में। सॉरी गाइस, या तिबर लुबलो बट यार लुबलो अच्छी है। मैंने लीज़ा को बोला ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं आलू से इससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अभी ना डेली वी ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ, और डेली वी ब्लॉग के साथ आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा ट्रैवल रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि खाली मैं डेली वीडियो डालते रहूँ और आपके लिए कुछ यूजफुल ना रहे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइक अगर आप कोई कंट्री प्लान कर रहे हो ट्रैवल के लिए, लाइक फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, मोस्टली फर्स्ट टाइम जिसको कंट्री मतलब आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो उनको कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए और क्यों चूज़ करनी चाहिए और कैसे प्लान करना चाहिए। ये मेरी एक इंडिविजुअल थॉट्स है, ओपिनियन है,
ये नहीं कि मतलब ना परफेक्ट है, ये मुझे लगता है लाइक मैंने अभी ट्रैवल जितने किए, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सोवियत कंट्री हो गए और अफ्रीका कंट्री और यूरोप, तो ये मेरे इंडिविजुअल थॉट्स और ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको वैसे ही, बट ये मेरे हिसाब से है। लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया, आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया, तो मेरे हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए थाईलैंड। क्यों प्लान करना चाहिए मैं ये बताता हूँ पहले, लाइक फ्लाइट हमारे इंडिया से दिल्ली मुंबई कोलकाता जो मतलब ना लाइक 12 13 14 15 हज़ार तक आ जाती है लाइक राउंड ट्रिप बोल रहा, दिल्ली से लोगे मुंबई से लोगे कोलकाता से लोगे तो और भी सस्ती मिलती है, एयर एशिया की फ्लाइट है वो बहुत ही सस्ती में रहती है, और नॉर्मली गो एयर की है इंडिगो की फ्लाइट से भी बहुत सस्ती आती है, तो आप ये प्लान कर सकते हो। वीज़ा बहुत ही ईजी है उनका, ज़्यादा नहीं है कि वीज़ा ऑन अराइवल रहता है, और सेकेंड है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा इंडिया से भी ले रहे हो तो भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में आपको इतने अमाउंट होने चाहिए, ये बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड चीज़ है कि मतलब कंट्री ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लोगों को लगता है कि मतलब मैं अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं थाईलैंड जाऊँगा तो लोगों को बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि मतलब नहीं थाईलैंड में जा रहा है क्यों जा रहा है मेरे को पता, ऐसा नहीं, थाईलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइक लोगों के मन में परसेप्शन बैठा है कि थाईलैंड खाली उस चीज़ के लिए, नहीं थाईलैंड अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी प्लान कर रहे हो तो थाईलैंड जा सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, हनीमून के लिए भी लोग जा सकते हो, लोग बोलेंगे हनीमून के लिए कौन थाईलैंड जाता है, भाई जा सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गई थाईलैंड क्यों जाना चाहिए, मैं बताता हूँ थाईलैंड आपको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि थाईलैंड बजट वाइज आपके लिए परफेक्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल एज ए इंडिपेंडेंट जो कॉलेज खत्म किया है, जॉब नए नए जा रहे, लोगों के पास ज़्यादा पैसे इनकम होते नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तो ये मॉनेटरी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, और टाइम भी बहुत जन के पास ना टाइम की कमी रहती है कि मेरे को इतना दिन जाऊँगा तो मेरे को जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी, कम से कम फर्स्ट ट्रिप रहेगी तो आप 8 दिन या 7-8 दिन का प्लान कर सकते हो लाइक, और बजट वाइज कितना रहना चाहिए। तो आपको प्लान कैसे करना है, आपको ना अपनी ट्रैवल जर्नी 3 चीज़ों में डिवाइड करनी है, फर्स्ट ऑन फ्लाइट टिकट हो गई, सेकंड आपकी स्टेइंग कॉस्ट होटल हो गए, और थर्ड लाइक मेरा पर डे एक्सपेंस कितना होगा। लाइक मेरे हिसाब से थाईलैंड के लिए आप प्लान कर रहे हो तो आप 40,000 रुपीस रख सकते हो, लाइक 40,000 विल बी इनफ फॉर यू, और अच्छे से आप एंजॉय कर पाओगे उसको 8 दिन के लिए। 15,000 तक आपकी टिकट आ जाएगी, हॉस्टल बुक कर सकते हो, जो हॉस्टल आपको पड़ेगा लाइक 500 से 700 रुपये में पर डे का, तो 5,000 पकड़ के चलिए, 5-6,000 रुपये आपको, 6-7,000 रुपये पकड़ के चलिए हॉस्टल का हो गया, और पर डे आप अपना बजट रख सकते हो 2,500 रुपये आपके लिए पर डे के लिए इनफ हो जाता है। आप ना वहाँ पे 7-Eleven रहता है, वहाँ से आप सामान खरीद सकते हो और उसको लेके आके अपने हॉस्टल में बना सकते हो, या तो आप 2 जन प्लान कर सकते हो, आप 3 स्टार होटल ले सकते हो, 3 स्टार होटल में 2 लोग रह सकते हो शेयरिंग पे, 2,000 रुपये में अच्छा होटल मिल जाता है वहाँ पे, आप 2 लोग रह सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए प्लान करने के लिए। और थाईलैंड क्यों प्लान करना चाहिए, बैंकॉक बहुत ही ब्यूटीफुल है, और फिर हमने उसके बैंकॉक में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, मार्केट्स जा सकते हो, उसकी नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, आप वहाँ पे जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप जब हॉस्टल में रहोगे तो आप लोगों को नए दोस्त मिलेंगे, आप लाइक फॉर एग्जांपल कोई यूरोप से रहेगा, कोई साउथ ईस्ट एशिया से रहेगा वो अपने कंट्री के बारे में बताएगा, कोई साउथ ईस्ट एशिया वाला बताएगा, आप उनसे बात कर सकते हो कि लाइक आप क्या कर रहे हो आज के दिन, हम कहीं जा सकते हैं साथ में, और वहाँ पे पपक्रूल रहता है, पपक्रूल ज्वाइन कर सकते हो, इससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस हाई होगा क्योंकि आपने इंटरनेशनल के ट्रैवल नहीं किया, नए लोगों से नहीं मिले हो और ना उनसे बात नहीं की हो, जब आप बात करते हो और फिर आपको ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम कि अरे यार ये भी कैसे बात कर रहे हैं यार, लैंग्वेज भी कितना अच्छा है इनका भी, मतलब कैसे बात करने का तरीका, ये लोग तो अच्छे लोग हैं, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे जो फर्स्ट टाइम यहाँ रहता है ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका राइज होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब ट्रैवलिंग बहुत ईजी है, नए लोगों से मिलना बहुत ईजी है, तो आप बैंकॉक ऐसा एक्सप्लोर कीजिए, पार्टी नाइट लाइफ कीजिए, उसके बाद में आप पटाया जा सकते हो, पटाया फुल्ली एक्सप्लोर कर सकते हो वॉकिंग स्ट्रीट, और फिर हमने खाने के लिए मैं बोलता हूँ मतलब आपको ऐसा जरूरी नहीं लग्जरियस होटल में खाना पड़ेगा, आप 7-Eleven से लेके आके खा सकते हो, और फिर अपने स्ट्रीट्स पे बहुत सारी चीज़ें रहती है वहाँ पे, मतलब बहुत सारे लाइक शोरमा वगैरह, और रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो और बाकी थाई रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो, जो खाना फ्राइड राइस वगैरह, और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जो 250-300-400 रुपये में भी मिलते हैं आपको, तो ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो मेरे हिसाब से आपको थाईलैंड फर्स्ट टाइम प्लान करना चाहिए, ये इकोनॉमिक रहेगा, और कल को कुछ आपके साथ गलत होता है ना तो आपकी कंट्री बाजू में है और आपके ज़्यादा पैसे नहीं जाते, आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, फ्लाइट मेरी मिस हो गई, तो वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आप थाईलैंड प्लान कीजिए और उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, नए दोस्त मिलेंगे, और उसके बाद में आप जब सेकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम फिर प्लान कर सकते हो, उसके साथ कौन सी कंट्री और आपको ऐड करनी चाहिए और क्यों ऐड करनी चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। और हनीमून कपल लोगों को फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कौन सी कंट्री जानी चाहिए और क्यों जानी चाहिए लाइक लग्जरियस वे में, और फिर आपने उसके बाद में अगर आपको ट्रैवल कहाँ पे करना चाहिए वो आगे मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय, टेक केयर।